हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बेसिक। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर वन ऑफ आईसीएसई क्लास 11 मैथ्स व्हिच इज सेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सो जैसे कि इससे पहले मैं करा चुका हूँ एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट, तो अब हमें इसमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट देखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप ये देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये सेट्स का तीसरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इससे पहले कि मैंने दो वीडियो करा रखे हैं, अब इसके बाद जो होगा वो हम सम्स देखेंगे इस सेट से रिलेटेड। तो हम तीसरा देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, तो कोई भी जो एम्प्टी हो, ठीक है। एम्प्टी में भी देखो फाइनाइट मींस क्या होता है, डेफिनेट हो, यानी हमें जिसको पता हो। तो एम्प्टी में पता है कि कुछ भी नहीं होगा, नो एलिमेंट्स होगा। सिंगलटन भी होगा तो उसमें सिंगल एलिमेंट्स होगा। तो ऐसे कोई भी जो सेट हो जिसमें एलिमेंट्स हमें डिफिनिट हो, यानी पता हो, डिफाइन हो। तो कंटेंट्स आर डेफिनेट एंड काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो हम काउंट कर सकें, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें वोवेल्स में, तो ये फाइव हैं हमें पता है, तो ए ई आई ओ यू ये हम हो गया। ऐसे हैं क्या क्या लिखा हुआ, बी वी इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ वी सच दैट एक्स इज अ नंबर क्या अपेयरिंग इन अ डाइस रोल, ठीक है। अब डाइस रोल में कितने नंबर्स होते हैं, सिक्स होते हैं, ये हमें पता है। अब ऐसा कोई डाइस रोल थोड़ी ना है कि जिसमें सेवन नंबर्स हों, हमें कन्फर्म पता है, आपको भी पता है सिक्स, हमें भी पता है सिक्स, तो ये डेफिनेट है। ऐसे ही है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ ऑफ ईयर हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो ये भी चीज़ डेफिनेट है। ऐसे कैपिटल ऑफ यूपी की बात करें तो ये लखनऊ है, यानी एक हमें पता है, यानी ये भी डेफिनेट है। तो ये इसे इस प्रकार के सेट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नंबर फोर पे चलते हैं जो है इनफाइनाइट सेट। तो वर्ड से ही समझ में आता है, जिसको जिसका अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो, यानी कोई भी ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स हों, जिसको हम काउंट ना कर सकें, क्योंकि यहाँ काउंटेबल है ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब जैसे एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बहुत हैं, वन थ्री वन भी है, सॉरी वन नहीं है, टू है, थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन, ऐसे हम चलते चले जाएंगे एंड सो ऑन है। ऐसे ही है रियल नंबर, रियल नंबर भी ऐसे ही सारे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट पे हम बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हम रख सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये भी एक अनलिमिटेड है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चार हमने टाइप्स पढ़ लिए सेट्स के। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर भी कहते हैं, तो उसको हम समझते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। अब यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज किया गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि जो कार्डिनल नंबर, जैसे एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट का जो कार्डिनल नंबर जीरो होता है, ठीक है। और कार्डिनल नंबर अगर हम सिंगलटन सेट की बात करें तो सिंगलटन सेट का सिर्फ एक ही होता है। अगर उसके बाद अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है। तो जब काउंट ही नहीं है तो हम कार्डिनल नंबर उसका कैसे बताएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो ये चीज़ अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे क्या लिखा है, एक्स इज द सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए सच दैट एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 60। तो अब इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 60 कितने होंगे, टू थ्री फाइव, ये प्राइम फैक्टर हैं 60 के। तो यहाँ हमें पता है कितने हैं, वन टू थ्री, तो ये कार्डिनल नंबर हो गया। तो ये नंबर जो हो गया आपका कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे कैसे, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू थ्री। तो ये चीज़ हो गई। ऐसे सेट भी में अगर हम देखें तो जैसे लिख रखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये कितने हैं टोटल, वन टू थ्री फोर, तो फोर हैं। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी इज इक्वल टू फोर। तो ये कार्डिनल नंबर्स, इसे कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हम इसलिए कर नहीं सकते क्योंकि उसका जीरो होता है, सिंगलटन सेट में सिर्फ एक होता है, और जो इनफाइनाइट सेट होता है उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ फाइनाइट सेट के बारे में समझें। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ हम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर देखते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, तो जैसे उसको हम एन से डिनोट, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। तो एन क्या होगा, देखो जैसे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ठीक है, थ्री डॉट हमने लगा करके आगे ऐसे चले गए कंटिन्यू। होल नंबर को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ऐसे ये चला जाएगा। इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे।
इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, आपको पता होगा। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय आई, आई से और या जेड से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम जैसे देखो क्या है, देखो इनफाइनाइट से चला -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये एंड शो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं। फिर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रैशनल नंबर कभी भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में हमें लिख ले, अगर हम लिख ले जाएं पी बाई क्यू फॉर्म में अगर वो हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 2/3, ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, -6/5, 7, 2/7, तो ये सब क्या हो गए, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख गए। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि जीरो से हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो इसलिए जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं पी बाई क्यू, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर किसे कहेंगे, तो जैसे उसको हम डिनोट करेंगे आर से, अब आर से डिनोट करेंगे तो सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों रियल नंबर होते हैं, तो सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो इनको जैसे लिखेंगे तो 5, 5/3, अब ये क्या हो जाएंगे, ये रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर जैसे √3 हो गया, -2+√3 हो गया, √3 हो गया, तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जैसे कि इसको हम टी से डिनोट करते हैं पहले, तो ये जान लीजिए। और इरेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ऐसे इरेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की जो वैल्यू हम सब लोग यूज करते हैं 22/7, वो रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये देखो लिखा हुआ है क्या है, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और यहाँ पे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हुआ, क्यू। क्यू किसे कहते हैं, रैशनल नंबर। तो रियल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जो वो रियल नंबर तो होते हैं लेकिन वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर बात करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर की, तो वही जो होगा क्यू, यानी जितने सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, जैसे इसमें नेगेटिव भी है ना, तो अगर हम क्यू पॉजिटिव होगा तो हम क्यू प्लस लगाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव यूज कर लेंगे। और पॉजिटिव रियल नंबर की बात करें तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो हम और प्लस लगा करके हम इसको समझ लेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा ये सारे जो मैंने अभी तक समझाए अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप उसको भी प्लीज़ देखिएगा। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।